नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो योगा है वो अनुलोम विलोम से रिलेटेड है। तो वैसे योगा जो करो वही वो योगा है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। तो सबसे मस्त है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखें। योगा करने के फ़ायदे तो आप सभी लोगों को पता है कि जो भी फ़ायदा बोल दो वो फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सुबह योगा करते हो, प्रैक्टिस करते हो, रेस लगाते हो, दौड़ते हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो आज मैं जो बता रहा हूँ वो नाक से संबंधित है। नाक और फेफड़ा, फेफड़ा का हृदय, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इस तरह से करेंगे तो यहाँ की सारी नसें खुलती हैं, यानी जो मतलब आवाज़ जो है रुकती है, या खांसी सी होती है, या और कोई दिक्कत आती है वो नहीं आती। जो बाज बाज में रुकते हैं, बाद बाद में मतलब थोड़ा बहुत रुकने की दिक्कत होती है यहाँ से, तो वो नहीं होगी। तो ये है सबसे बेस्ट। इस वाले छिद्र से ले तो इससे छोड़ें, इस वाले से लें तो इससे छोड़ें। इससे क्या होगा कि जो सेरेब्रम है अपना वो एकदम बैलेंस रहता है। सेरेब्रम यानी मस्तिष्क का अगला भाग होता है, जिसमें सब, जिसको मेमोरी कहते हैं, उसमें सब कुछ फीड होता है। तो आप सभी लोग इस तरह से अनुलोम विलोम करें, मान लो एक दो बार किए, तीन बार किए, जितनी बार आपको मर्जी करे वो करो। उसके बाद एक बात और ध्यान देना कि जो आप कर रहे हो उतना ही बहुत है, ज़्यादा अत्यधिक करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। आराम से करें, क्योंकि एक बार में करोगे तो दिमाग चढ़ेगा, अगर आराम आराम से करोगे दिमाग फ्रेश होगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये वाला जल्दी जल्दी कर सकते हो, जितनी मर्जी करें उतनी, जब तक आपके पास हिम्मत है, कैपेसिटी है, उतना ही किया करो। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन रोज़ करोगे तो एक दिन सब कुछ हो जाएगा। इस बुनियादी के साथ करो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं शुरू करता हूँ। एक जो 10-15 बार किए तो अंदर की जो नसें हैं वो बहुत बेस्ट रहती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ायदा ही फ़ायदा है, दिमाग फ्रेश रहेगा आपका और श्वसन संबंधी दिक्कत नहीं होगी, चेहरा खुला रहेगा, ऐसा ही है सारा कुछ। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।